हिमाचल के सेब बहुल इलाकों में जब से सेब क्रय करने वाली कंपनियां और बड़े सीए स्टोरेज खुले हैं, उसके बाद सेब बागवानों को अपने उत्पाद के सही दाम मिलने लगे हैं। इससे पहले बागवानों को सेब लेकर दिल्ली व अन्य मंडियों में जाना पड़ता था, जहां उन्हें आढ़ती के रहमो कर्म पर निर्भर रहना पड़ता था। वहां बागवानों को आढ़ती व लदानी द्वारा फिक्सिंग से तय किए दाम पर सेब बेचना मजबूरी बन जाता था। लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश के सेब बहुल इलाकों तक विभिन्न सेब क्रय करने वाली एजेंसियां पहुंची हैं या फिर आसपास में सीए स्टोर खुले हैं, उसके बाद बागवान शोषण की चक्की से बाहर निकले हैं। उनके पास अब इच्छा अनुसार सेब बेचने के विकल्प खुल गए हैं। हालांकि कई मौकों पर अब भी कुछ सेब विक्रेताओं की जुगलबंदी से क्षेत्र में भी सेब बागवानों को सेब के सही दाम नहीं मिलते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पूर्व के वर्षों के मुकाबले बागवानों को लाभ हो रहा है। बागवान हरीश लकटू ने बताया कि पहले सेब दिल्ली मंडी में ले जाना पड़ता था। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 8% कमीशन बागवानों से ली जाती थी और सेब के रेट भी सही नहीं मिलते थे। जब से हिमाचल में छोटी छोटी मंडियां स्थापित हुई हैं और बाहर से सेब क्रय करने वाले घर द्वार पहुंच रहे हैं, उसके बाद सेब के दाम सही मिल रहे हैं। जबकि दिल्ली में आढ़ती कमीशन के अलावा बिल में फोन कॉल व चिट्ठी भेजने के चार्जेस तक जोड़ते थे। हरीश लकटू, बागवान, पिछड़ा क्षेत्र किन्नू पंचायत। जैसे कि पहले जो हम लोग सेब भेजते थे दिल्लियों की मंडियों में, दिल्ली में एक तो 8% तो कमीशन ली जाती थी हमारे बागवानों से। जब से ये हिमाचल में छोटी छोटी मंडियां या जो सीए स्टोर जैसे अदानी का है या ऊपर देवभूमि है और एक दूसरा है खुला हुआ, उससे जो है यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा हुआ है सेब में। और फिर ऑयल फ्रेश है, कोई रेलवे वाले आ रहे हैं, घर द्वार पे जो है हमारा सेब अच्छे दाम पे बिक रहा है और पैसा भी मिल रहा है। नहीं तो हमको दिल्ली जाना पड़ता था, दिल्ली वाले ऐसे तड़पाते थे हमको टेलीफोन के भी, उसमें चार्जेस किए हुए चिट्ठियों के, पता नहीं क्या क्या वो चार्जेस लगाते थे हमारे बागवानों पर। और फिर सेब जो है भूस के भाव में बिकता था और पैसे भी बड़े आराम से मिलते थे। तो अब हिमाचल में जब से ये मंडियाँ खुली, सारा हम लोगों को बेनिफिट हुआ, घर घर में जो है अब तो लोग सेब खरीद रहे हैं, तो इससे जो है बहुत फायदा हुआ है बागवानों को। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल में जब से सीए स्टोर खुले हैं, उसके बाद बागवानों को काफी लाभ हुआ है। इससे बागवानों को अपने सेब का सही दाम मिलने लगे हैं। पहले दिल्ली मंडी में जब सेब चला गया तो वापस आना पॉसिबल नहीं। आढ़ती बागवान की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपनी मर्जी से बेचता था। अब विकल्प खुले हैं, बागवान को अपने सेब के सही दाम मिलते हैं। बागवान सुरेंद्र शर्मा, भाली से हूँ। हिमाचल में अब जो बागवान है सीए स्टोर खुलने से, जैसे देवभूमि है, रिलायंस है और लोकल मार्केट है, ये खुलने से बागवानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और सीए स्टोर में जो हमें एक एक दाने की कीमत मिलती है। दिल्ली तो हम लास्ट में जाते हैं और दिल्ली के कंपेरेटिव किए जाए तो हमारे को यहाँ पर रेट अच्छे मिलते हैं। दिल्ली में सीनरी ठगी बजारी है जी। पहले क्या होता था? पहले दिल्ली जो सेब एक बार चले गया वो अपने हिसाब से रेट लगाते थे। यहाँ हमारे रेट खुलते हैं, जैसे 70 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, अदानी में है, देवभूमि में है, रिलायंस में है, हमको हमारे एक एक दाने की कीमत मिलती है। दिल्ली में एक बार पेटी चली गई तो वापस तो आती नहीं है। हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, एक सीए स्टोर में गए, दूसरे में चले गए, दूसरे नहीं तीसरे में चले गए, लोकल परचेजिंग होती है, रेलवे है, जैसे रेलवे वाले लोकल परचेज करते हैं। दिल्ली में तो बागवानों को बहुत घाटा रहा जी, आज तक हम लूटते रहे। सीए स्टोर आने से जो है हम लोगों ने पैसा कमाया है और आगे भी कमाते रहेंगे। प्रेम चौहान किसान ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का किसान लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी शुरू में सेब की दरें सही होती हैं, जैसे ही बड़े सेब विक्रेता चाहे वे अडानी अंबानी हो या अन्य सेब खरीदना शुरू कर देते हैं तो सेब के दाम एकदम गिर जाते हैं। इस बार भी देखने को मिला है कि सेब के दाम बहुत ज्यादा गिराए गए। सीए स्टोर वाले बड़े लोग किसान से सस्ते में सेब खरीद कर 3 गुना दाम पर आगे बेचते हैं। इससे किसानों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। ये जो किसान आज पंजाब का है, हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है, प्रदेश का जो किसान लड़ रहा है, यही हालत आज हम हिमाचल प्रदेश के अंदर भी देख रहे हैं। हाल ही में अभी जो हमारा सेब सीज़न हिमाचल में जो सेब होता है और उसका जो सीज़न हमने अभी क्लोज हुआ है लगभग, उसमें भी ये चीज़ हमें देखने को मिली है।
आज पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरीके से अदानी अंबानी जो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने पूरे देश के अंदर है, जिस तरीके से ये माल लेते हैं, अभी हम जब सेब का सीज़न देख रहे थे, उससे पहले सितंबर तक जब अदानी अंबानी दूसरा ये बीजा है, देवभूमि है, जो भी सी स्टोर हिमाचल के अंदर चल रहे हैं, इसका जब तक रेट नहीं खुला है, किसान को एक अच्छा दाम सेब का मिल रहा था। परंतु जैसे ही इनका रेट 2 सितंबर को खुला, उसके बाद मार्केट में जो रेट है कम से कम 1000 से 1500 रुपये पेटी कम इसके अंदर हुआ है। इससे क्या हो रहा है, अब ये लोग हमसे जो सेब खरीद रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी का सेब हमसे 50-60-70 रुपये में खरीदते हैं मैक्सिमम, और जो उसका एवरेज हम देखते हैं लगभग 35 से 40 रुपये किलो हमारे को वो सेब हम बेचते हैं। और यही सेब जब हम ये लोग आगे सीए से बेचते हैं फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर, तो यही सेब 150-200 रुपये किलो वहाँ पे बिकता है। इससे क्या हो रहा है, जो किसान है, जो वो मेहनत सेब के अंदर कर रहा है, दूसरी चीज़ों के अंदर कर रहा है, फल के अंदर कर रहा है, सब्जियों के अंदर कर रहा है, कोई और फसल जो करता है उसके अंदर जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका मेहनत का सही दाम इसके अंदर नहीं मिल रहा है। डीपी गौतम ने गांव का उत्पाद सेब पलम खुमानी दिल्ली चंडीगढ़ मंडियों में ले जाते थे, तो वहां आढ़तियों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। हमें टैक्स से लेकर विभिन्न चार्जेस देने पड़ते थे। अब जब से बड़े सीए स्टोर या घर द्वार पर सेब खरीदने वाले आ रहे हैं, उससे उन्हें लाभ हो रहा है। अब बागवान अपनी मर्जी से जहां दाम सही मिले फसल बेच रहा है। बागवान है, किसान है, जो भी हमने आज तक सेब हो, कुर्बानी हो, कोई भी ऐसा गांव का उत्पाद हो, हम मंडियों तक ले जाते थे, दिल्ली भी पहुंचाया, चंडीगढ़ दिया, तो वहां पर हमें आलती लोग ठगते थे। जो उनका मनमाना रेट होता था, हमको बागवानों को वो मंजूर होना पड़ता था, हमें उसके ऊपर चार्ज भी देने पड़ते थे उनको, कभी 8% टैक्स, कभी उनकी आड़त, कभी टेलीफोन का बिल, कभी कुछ और खर्चे, तो हम लोगों को मानना पड़ता था। तो अब जब से ये सी स्टोर खुले, जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आई, रिलायंस हो गई और दूसरी कंपनी हो गई, तो ये अब घर द्वार पे ही लोगों के आ रहे हैं, गांव-गांव में खुद खरीद रहे हैं, अच्छे भाव लोगों को मिल रहे हैं। अब किसान इस आड़त से दूसरी आड़त को ले जा सकता है, या मुझे अच्छा दाम ना मिले तो मैं दूसरी आड़त में ले जा सकता हूँ, मुझे अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो इसमें हमें। केवल राम भूषण निदेशक एपीएमसी ने बताया कि बागवान क्षेत्र के बागवान हैं और उन्हें जब से सीए स्टोर या फिर सेब खरीदार एजेंसियां घर द्वार पर आई हैं, उसके बाद सेब बागवानों को सेब के सही दाम मिल रहे हैं। सरकार की ओर से प्रयास किया गया है कि बागवानों के साथ अन्याय ना हो। क्षेत्र के जो लोग हैं, हमको जो है यहाँ पर जब से ये सीए स्टोर खुले हैं और इससे जो है बागवानों को सही दाम मिल रहे हैं, और जो कंपनियां जो यहाँ पर रेलवे और रिलायंस कंपनी है जो ये गांव-गांव में जाकर बागवानों का जो उत्पाद सही दाम पर खरीद रहे हैं, इससे जो किसान बागवानों को लाभ हुआ है। तो पहले क्या था, पहले हम दिल्ली जाते थे, दिल्ली में अपना उत्पाद ले जाते थे, दिल्ली में हमसे कई तरह के चार्जेस लेते थे, 8% आड़त, उसके बाद टेलीफोन, उसके बाद एसेसरी, उसके बाद अन्य खर्चे जोड़े जाते थे, बाद में जो किसान ठगा सा ठगा रह जाता था। इससे जब से हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जो उचित व्यवस्था की है, तब से सेब बागवान जो है अपना जो उत्पाद है सही दाम में लेकर जो है खुश है।